तो यस कली पीहू हमारे हैं, बहुत ज्यादा फोन पे फोन करे जा रहे हो ना आप लोग, तो बस निकलने वाले हैं बस। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिनिया रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आई होप कि सब अच्छे होंगे, एकदम गुड होंगे। तो फ्रेंड्स आज है 15 मार्च, और तो फ्रेंड्स मतलब काफ़ी समय बाद मुझे घूमने के लिए मौका मिला है, और क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे चलो कुछ दिन, मतलब बच्चों की छुट्टियां हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बट अभी रिपोर्ट कार्ड के लिए टाइम है, तो उन्होंने कहा चलो घूम कर आते हैं, घुमा कर लाता हूँ तुम्हें कहीं। तो मेरा हुआ था डिसाइड दिल्ली के लिए, अपनी मौसी के घर के लिए। और हाँ मेरी मौसी के, मतलब पहले एक ब्लॉग गया था जब मैं अपनी मौसी के घर पर गई थी, तो बस वो मैं एक दिन के लिए गई थी, वापसी आ गई थी, मतलब दिन में गई थी और शाम को आ गई थी वापस। तो फ्रेंड्स आप वो व्लॉग देख सकते हो, वो मैं दे दूंगी लिंक में। और पता है क्या, जो उस घर में, मतलब उस व्लॉग में जो घर दिखाई दिया, तो उनका घर बन चुका है अब, बहुत अच्छा बन गया, बहुत सुंदर बन गया, पूरी बिल्डिंग बन गई है उनका घर की, क्योंकि पूरा जैसे कि दोरानी जी खानी सब मिलकर रहते हैं सब लोग, तो फ्लोर बाय सबका है, तो बहुत अच्छा बन गया आपके घर। और वो पुराना वाला आप देख सकते हो उस वाली वीडियो व्लॉग में, चाहे 2 साल हो गई है, आई थिंक 1.5-2 साल हो गई तब का है वो व्लॉग, आप देख सकते हो उस व्लॉग को। तो दिल्ली वाला हाँ। तो फ्रेंड्स इस बार हम जा रहे हैं और मौसी के यहाँ, तो आज दिन में मेरे हस्बैंड को काफी काम है, तो उन्होंने कहा कि चलो दिन का काम खत्म कर लेता हूँ मैं, एंड फिर शाम को निकलेंगे। तो शाम को फिर ऐसा ना, मेरे को थोड़ा सा वोमिटिंग की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, तो शाम को एकदम खाली रोड मिलेंगे, इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, एकदम आसानी होगी, और फिर दिन का जो काम है हमारा वो भी फिनिश हो जाएगा अच्छे से। और बच्चे देखो परिणय सो गई खाना खाकर, और ओजस भी खाना खाकर बैठे हैं यहाँ पर और टीवी देख रहे हैं, और हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है, कल हो गई थी, एक ने को तो रहना जरूरी है, हमारा होलसेल का काम है आरओ का, बुलंद सर के अंदर अच्छा खासा काम है, भगवान की दुआ है बस, तो अच्छा खासा काम है, तो ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, एंड तो पॉसिबल नहीं है जाना, तो वो संभालेंगे, मतलब हमारे जेठ जी संभालेंगे, एंड जेठानी रहेंगी पीछे से, और वो लोग रहेंगे, बट हम जाएंगे घूमने के लिए, इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे यार। मतलब मेरा, हमारा काम ये है ना कि हमारा होलसेल का काम है एंड बिजनेस है, तो मेरा बिल्कुल भी जाना नहीं होता कहीं भी, या तो हस्बैंड जाएंगे और तो वही फिर मैं देखती हूँ पीछे से उनका काम, जिसके पहले गुजरात गए थे एंड सूरत वहाँ पर गए थे, उदयपुर गए थे, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है फिर उसके उनके पीछे से, बट कोई नहीं ऐसे ही होता, मतलब मैं कम से कम ही जाना होता है मेरा, तो मेरा ये है कि डे के डे जाना होता है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो लोकल में ही जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, तो कोई नहीं इस बार रहकर आते 3-4 दिन। फ्रेंड्स मैं नहा कर आ गई, तो बाल मेरे गीले थे तो वही सुखा रही थी, तो मैं दिखा देती हूँ बैग, ये रहा पैक हो गया है, एंड पैक कैमरे से दिखा देती हूँ। पैकिंग तो मैंने रात कर ली थी, तो क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि हम कभी भी निकल जाएंगे, तो आप ऐसा ना थोड़ा तैयारी करके रखिए, फ्रेंड टाइम पे सब चीज़ें होती है ना, तो हो नहीं पाती, तो यहाँ सब कपड़े रख लिए हैं मैंने, 2 साड़ियाँ रखी हैं एंड 3-4 सूट रखे हैं, और ऐसी पता हर बार मैं जीन्स पहन कर जाती थी, मतलब बाहर अगर घूमने जा रही हूँ तो जीन्स पहन कर जाती थी, बट इस बार वेट इतना हो गया, तो हस्बैंड ने बोला कि जीन्स तो आएंगी नहीं, तो आपको कोई भी कुर्ते वगैरह या साड़ी रख लीजिए जो पहनो, तो ये थोड़े बैंगल मैंने रख लिए, ऐसी साड़ी वेयर करूँगी ना तब पहन लूँगी, तो ये कुछ ऐसे ईयरिंग्स रखे हैं इसमें, एक छोटी सी डिब्बी जो ज़्यादा जगह नहीं ले, और इसमें मेरा थोड़ा सा मेकअप रख लिया है मैंने, ये मैंने ना पता क्या थैला खुद से बनाया था ऐसे, तो इसमें ऐसे डाल दिया है एक ये, और ऐसे हो जाता है ये, क्योंकि हम क्या पता हम मतलब कि हम कहीं जाते हैं तो इतना स्पेस नहीं होता कि बॉक्स रखें, कुछ मेकअप बॉक्स रखें, ऐसा हो नहीं पाता स्पेस बिल्कुल भी कपड़ों की वजह से, तो मैंने यही मुझे समझ में आया, तो मैंने ये बना रखा है थैला, इस टाइप का है ये पूरा कपड़ा था, और ये डेकोरेट किया था मैंने ऊपर से, आप देख सकते हो ये ना डेकोरेशन मैंने खुद से की है, और ये देख सकते हो ये पूरा मेकअप इसमें रख दिया है, लिपस्टिक वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी इसमें सब रख दी, और बाकी कोई नहीं ले लेते हैं, और मैंने ये इसमें आ जाएगा, इसमें आसानी से आ जाएगा, और सब चीज़ मतलब जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें सब रख गई हैं इसमें, कपड़े रख दिए हैं सभी, और ये बैग है मेरी मौसी का है, नानी के घर था तो मौसी ने बोला कि आप लोग आ रहे हो तो ये बैग लेकर आना, तो ये मौसी का बैग लेकर जाना है और मुझे, और ये लेकर जाना है मौसी का लहंगा है जो मौसी ने शादी पर पहना था, तो ये भी लेकर जाना है, और एक बैग मैंने एक और एक्स्ट्रा रख लिया, क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ खरीदने लगे वहाँ पर तो फिर मेरे हेल्प हो जाएगी, तो वो बैग मैंने इसके अंदर डाल दिया, बहुत बड़ा बैग है इस ऐसा ही है, काफ़ी बड़ा बैग है, और वो रख दिया एक्स्ट्रा में मैंने, और बाकी ये पूरा भर गया है, तो आज का बस यही है, और
बस मतलब पैकिंग वगैरह हो गई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस अब नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ मैं और बस। बहुत ज़्यादा हैप्पी, ब्लॉग जाएंगे तो प्यार बनाए रखिएगा और शेयर करना मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जो कि वो भी इंजॉय कर पाएँ मेरा ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं, मैं अभी कुछ देर बाद मिलती हूँ। हेलो जी, तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और इवनिंग का टाइम है, 6 बज गए हैं, बट अभी टाइम है हमें निकलने के लिए, और मतलब लेट से जाएंगे थोड़ा सा, अभी काम था मेरे हस्बैंड को और मुझसे बोल के गए थे कि कुछ ज़रूरी काम है, बट मेरे लिए ही कुछ सरप्राइज़ था जो कि उन्होंने सोच रखा था, और मतलब मैंने भी काफ़ी समय से सोच रखा था, बट उनका कब तक लाना था वो मुझे नहीं पता था, तो आज लेकर आए हैं। देखो गाइस, अपने मोबाइल आ चुका है, देखो मेरा ही मोबाइल, दिखाओ ना। ये देखो, ये है मेरा फोन आ गया आज, क्योंकि इससे पहले मैं चला रही थी सैमसंग A7, और भाई उसने भी काफी साथ दिया मेरा, काफी समय से चला रही हूँ, कितना साल हो गया, 3 हाँ 3 साल हो गया उसको भी फ़ोन को, बट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे क्या थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ब्लॉग ज़्यादा हो जाते हैं तो स्पेस प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो इसलिए मैंने फ़ोन लेकर आए हैं। आज हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली उनको मैं फ़ोन बता दूँ, तो मेरा फ़ोन आ गया। वैसे मुझे फ़ोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये है कि क्लियरिटी वगैरह और स्पेस बस यही चाहिए मुझे। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन है वन प्लस है उनका, वन प्लस नोट, तो वो उसकी ना क्लियरिटी एकदम बेस्ट है और स्पेस तो बहुत ज़्यादा भरमार है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो फ़ोन, तो उसी के जैसा एक फोन, ये चार्जर है, ये पापा के जैसा चार्जर, तो वन प्लस 11R अभी दिखाती हूँ, तो आपको फ़ोन दिखाती हूँ, तुमने नीचे देखा ना पापा के साथ, देखा एक बार मैं। ये देखिए वन प्लस 11R, तो वन प्लस से मतलब हम जैसे कि घर में यूज़ कर रहे हैं वन प्लस, तो उससे अलग थोड़ा सा आइडिया नहीं था और भी क्या लें, बट ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, तो वन प्लस में ही लेकर आए हैं वन प्लस 11R, तो देखते हैं खोल कर, बट मैंने नहीं देखा, बच्चों ने देख लिया था नीचे अपने डैडी के साथ, मैंने नहीं देखा, मैं बेड पर खोल, बेड पर इसलिए कभी कुछ गिर जाए उससे मिस्टेक हो जाए। आप बस सर्च करके देख सकते हो वन प्लस 11R कैसा है क्या है, और बाकी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी इससे बनाना, तो क्लियरिटी आपको अलग ही समझ आ जाएगी कि वाकई में चेंज हुई है क्लियरिटी। तो फ्रेंड्स ये रहा वन प्लस 11R, बाकी में इसका जो ब्लॉग बनाऊंगी ना, मतलब बट इससे जो बनाऊंगी वो आपको क्लियरिटी समझ आ जाएगी अलग से ही, क्योंकि जब भी कभी मैं इनके फ़ोन से बनाती हूँ अपने हस्बैंड के फ़ोन से, तो इसमें ऐड करती हूँ, तो वाकई बहुत चेंजिंग लगती है क्लियरिटी में। तो अब इससे स्टार्ट करने वाली हूँ ब्लॉग बनाना स्टार्ट, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये रहा मेरा न्यू फ़ोन आ गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कलर क्या कलर है ये, बहुत लाइट सिल्वर, हाँ बहुत लाइट सिल्वर कलर है ये, इस पर कवर है, आज तो वो गाना याद आ रहा है, आज लगता है हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब मैंने वैसे बोल रही थी पहले से ही कि मेरा फ़ोन ला दो, बट वो बोलने लगी चलो अब दिल्ली जा रहे हैं तो चलो नए फ़ोन के साथ चलते हैं, अच्छा लगेगा आपको तो मेरे लिए सरप्राइज, थैंक यू। बच्चे बहुत खुश हैं, बोल रहे मम्मी आप बहुत खुश हो ना, वाकई बहुत खुश हो। तो अभी समय है हमें निकलने के लिए दिल्ली के लिए, तो चाय पी लेती हूँ, अभी चाय भी रखी थी मेरी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको फ़ोन, अपना न्यू फ़ोन, तो ये रहा मेरा न्यू फ़ोन, आप बाकी सर्च करके इसके बारे में देख सकते हो जानकारी, बेस्ट एंड बेस्ट है वन प्लस के फ़ोन, वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी देखो हमारी गुड़िया, ना गुड़िया है गुड्डा, ये गुड़िया है, ये गुड़िया।
गुड्डा गुड्डा छोटा गुड्डा गुड़िया है ये गुड्डा। तो मैं खा रही हूँ खाना, कुछ देर बाद निकलने वाले हैं। तो देखो आप खिलाओ पराठा सब्जी अचार। हाँ बेटू रो रहा है, ये रो रहे हैं। चाची जा रही है, चाची जा रही है इसलिए रो रहे हैं। चाची जा रही है, लोटी लोटी देख रहे हैं। चलूंगी हम, पता नहीं किसका हाथ है, हैंड किसका ये हैंड किसका ये हैंड आपका है। तो फ्रेंड्स अभी खाना खा रही थी, बस कुछ देर बाद नहीं नहीं गुड्डा नहीं इकली सब निकलने वाले हैं। एक बैग ये रहा, ये मौसी का है और इसमें सामान है। देखो कितनी सारी चीजें बड़े पापा लाए, ये बड़े पापा ने दिए, ला करके खा लेना गाड़ी में। हम गाड़ी में आएंगे और ये लगाने के लिए दे दी ये सामान यहाँ पर। ये मेरा बैग और सब बोतल और ये सब चीजें मतलब जाने वाली हैं। हस्बैंड जी तैयार, सब लोग तैयार। तो यस कली पीहू हमारे हैं, बहुत ज्यादा फोन पे फोन करे जा रहे हो ना आप लोग। तो बस निकलने वाले हैं बस कुछ देर बाद। तो अभी टाइम है, आपको दिखाती हूँ टाइम, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। 9:30 का टाइम है, मतलब 9:30 का टाइम है। खाना वाना हो गया सब कुछ, अब आराम से निकलेंगे। हाय देखियो हम सहाजी डेयरी पर है। हाँ यह सहाजा डेयरी फेमस सिकंदराबाद की। तो यहाँ से लेने गए हैं मिठाइयाँ। पापा कहाँ है? अंदर है पापा। हम गाड़ी का सब अनमोल रुद्र पशु ना सर बड़े ना तेरे निकाल लो सामान, निकाल लो। दीदी मेरे घर आ चुकी है। हाँ जी मैं घर आ गई और रात के 1 बजे हैं, देख लो। हाँ टाइम दिखाती हूँ आपको पहले। फ्रेंड्स ये देखो 1 बज गया। तो फ्रेंड्स 1 बज गया और मेरी सिस्टर और मौसी बता रही है नाश्ता दे रही है, मतलब तैयार कर रही है। तो मैं इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और कल भी ब्लॉग बनाऊंगी, रोज ब्लॉग बनाऊंगी। और इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार देना मेरे ब्लॉग को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना प्लीज। मेरी सिस्टर ने बोला लाइक शेयर एंड कमेंट। आपने पहले जैसे ब्लॉग को प्यार दिए था ना, अभी भी वैसे दिया, उससे डबल उससे ट्रिपल, जब मिलियन में पहुंचा देना। ओके बाय गुड बाय।